मॉर्निंग बच्चों, पिछले वीडियो में मैं जल और जंगल में जल के बारे में जानी थी। जल के स्तर के गिरने तक जान चुके थे और अब हम देखेंगे अगला पॉइंट हमारा है जल प्रबंधन। किसी भी वस्तु का प्रबंधन मेन कारण होता है। जब तक उसका बचाव हम नहीं करेंगे वो नहीं रह सकेगा हमारे पास। तो जल प्रबंधन में सबसे पहले हमने लिखा है कि अपनी कुछ आदतों में सुधार लाकर, सुधार लाने मतलब जैसे कि हमें पाइप अक्सर पानी का देखते हैं फटा हुआ है, इधर उधर पानी गिर रहा है बिना कारण, तो उसे हम ठीक करवा सकते हैं। दूसरा कारण होगा नल या हैंडपम्प चला रहे हैं और पानी बेवजह गिर रहा है, नल चलाए और खुला छोड़ दिए तो उसे भी हमें बंद करना होगा ताकि पानी की बचत हो। और तीसरा है पीने के लिए गिलास में ज़रूरत से ज़्यादा पानी ले लेते हैं ताकि कुछ पानी को फेंकना पड़ता है, तो इसे भी हम अपने आदत में सुधार लाकर जल को बचा सकते हैं। दूसरा है हमारा पॉइंट जल भंडारण के अनेक उपाय। तो वर्षा जल को हम संरक्षण करके भी जल का भंडारण कर सकते हैं या फिर हम जल के भंडार के लिए अनेक तालाब पोखर अहरे आदि खुदवाकर उसकी पूर्ति कर सकते हैं। अब अगला पॉइंट है ड्रिप सिंचाई द्वारा जल संरक्षण। ये ड्रिप सिंचाई को मैं चित्र के माध्यम से बता रही हूँ कि एक हौज बना हुआ है और इसमें पाइप के जरिए पानी ठीक पौधे के जड़ों तक पहुंचाया जाता है, यानी इसी क्रिया को हम ड्रिप सिंचाई कहते हैं, यानी बूंद। ड्रिप मीन्स होता है बूंद। तो इस तरह से पौधा इस हौज से पानी आया और पाइप के जरिए पानी इस पौधे के जड़ों तक गया, तो इससे क्या होता है कि हमें कम पानी में ही ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई कर पाते हैं, तो इससे भी हमारा जल कुछ बचत हो सकता है। तो जल जो है हमारे पौधे को भोजन बनाने तथा अन्य जैविक क्रियाओं के लिए बहुत ही आवश्यकता होती है। यदि जल ही नहीं होगा तो पृथ्वी से हरियाली लुप्त हो जाएगी और पौधे के ना रहने से भोजन, ऑक्सीजन और वर्षा के अभाव में पृथ्वी पर जीवन का अंत हो जाएगा, यानी जल ही हमारा मुख्य जीवन का स्रोत है। अब हम देखेंगे कि हमने जल के बारे में क्या सीखा। तो हमने सीखा कि जल के बिना जीवन संभव नहीं है। जल की तीन अवस्थाएं होती है, बर्फ, जल और वाष्प। जल चक्र द्वारा जल की आपूर्ति बनी रहती है। लास्ट है उद्योगों में वृद्धि, बढ़ती जनसंख्या, सिंचाई की बढ़ती खपत और कुप्रबंधन जल की कमी के मुख्य कारण बनते हैं। अब हम जंगल के बारे में जानेंगे। हमारे देश में कई भागों में घने जंगल हैं। बिहार राज्य में भी कुछ बड़े जंगल हैं। जंगलों में कई तरह के पेड़, झाड़ी, घास, जीव जंतु, पंछी, कीट पतंगे आदि पाए जाते हैं। इनकी सुरक्षा के लिए राज्य सरकार इन्हें आरक्षित घोषित कर दिया है। हमें मालूम होना चाहिए कि हम जंगल के किसी भी पेड़ की कटाई ऐसे नहीं कर सकते हैं बिना जंगल वन विभाग को सूचना दिए हुए। वो हमारा जुर्म है कानूनी। किसी भी जंगली जीव को नहीं मार सकते हैं, किसी भी पेड़ की कटाई नहीं कर सकते हैं। तो इस पेड़ और जीवों को सुरक्षा की दृष्टि से सरकार ने बिहार में आरक्षित अभयारण्य बनाया है। पश्चिम बंगाल ज़िले में, पश्चिम चंपारण ज़िले में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य के नाम से है। उसी तरह वैशाली ज़िले में बरेला अभयारण्य है, मुंगेर ज़िले में भीमबांध अभयारण्य है और गया ज़िले में गौतम बुद्ध अभयारण्य है। रोहतास ज़िले में कैमूर अभयारण्य है। तो इस अभयारण्य में जीव जंतु और पेड़ पौधों की सुरक्षा रहती है। अब ये सवाल होता है कि जू में भी तो जंतु और पेड़ होते हैं, तो चिड़ियाघर और अभयारण्य में क्या फ़र्क है? जू में जो है जंतु को पिंजड़े में रखा जाता है, केज में रखा जाता है, लेकिन यहाँ जो होते हैं बिल्कुल खुले वातावरण में होते हैं। अभयारण्य में जीव जंतु खुले वातावरण में होते हैं जिससे उन्हें लगता है कि मैं आज़ाद हूँ, मैं जंगल में हूँ। तो इसी दृष्टि से ये अभयारण्य बनाया गया। अब है कि जंगल के क्षेत्र की भौगोलिक संरचना एवं जलवायु के अनुसार वृक्ष। तो हमारे वृक्ष जो हैं वो भी जिस तरह की जलवायु होती है वहाँ उसी प्रकार के वृक्ष होते हैं। जैसे हिमालय पर्वत पर अगर हम जाएंगे तो वहाँ चीड़, देवदार, भोजपत्र आदि के वृक्ष मिलेंगे जो शंकुनुमा होता है। उसी तरह से बिहार के चंपारण क्षेत्र में जाएंगे तो चौड़े पत्ते वाले साल और सागवान के वृक्ष हमें देखे जाएंगे। तो ये इसकी भौगोलिक कारण संरचना और उसकी जलवायु के कारण हमें अनेक तरह के वृक्ष पाए जाते हैं।
तो अब बोलेंगे तो हम कह सकते हैं कि जंगल पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और जंगल के अनेक उत्पाद मिलते हैं जिसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगी कि जंगल के क्या-क्या उत्पाद हैं। तब तक के लिए बाय।